एक इतना बड़ा स्कैम चल रहा है इस टाइम, इतना बड़ा स्कैम, जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली, नोएडा या फिर गाजियाबाद इधर के लोग होंगे तो उनके जल्दी ये बात समझ में आएंगी। इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग फंस रहे हैं। स्कैम क्या है? स्कैम जुड़ा है ज़मीन से। किसे जुड़ा हुआ है? ज़मीन से। जेवर एयरपोर्ट है पूरी दुनिया का फूड बेस्ड एयरपोर्ट है, जिसको टाटा और ज्यूरिख कंपनी मिलकर बना रही है। तो यहाँ पे फ्रॉड क्या चल रहा है कि जेवर एयरपोर्ट के पास में जो कॉलोनियाँ काट रहा है, टप्पल हो गया, और यूपी के अंदर उधर जो जेवर एयरपोर्ट के पास में जो भी यूपी लगता है वहाँ पे जितनी भी कॉलोनियाँ कट रही हैं पूरी फ्रॉड है। क्या है? पूरी फ्रॉड है। जो जो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है पूरा उसका पैसा डूबना है, पर फिर भी धड़ल्ले से वहाँ पे जो है ना ये जो बिल्डर्स हैं वो प्लॉट बेच रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग फंस चुके हैं, कुछ लोग फंस रहे हैं या फिर फंसते जा रहे हैं। रेट मिल रहा है कम, 12,000 रुपये स्क्वायर यार्ड का बेच रहे हैं, मतलब 100 गज का आप लोगों को 12 लाख के करीब मिल जाएगा। तो लोग सोचते हैं वाह यार, जेवर एयरपोर्ट के पास में मिल रहा है, फ्यूचर अच्छा आई है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट आ चुका है, क्योंकि वहाँ पे दिखता है काम चलते हुए, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब इसमें फ्रॉड क्या चल रहा है? गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने जो अपना एडा है पूरा साइड उसने पूरा एक्वायर कर रखा है। बिल्डर ने क्या काम किया? बिल्डर ने किसी भी कस्टमर को बेच दिया। अब जो मुआवजे का पैसा है वो तो आएगा किसान के नाम पर, ठीक है, या फिर जो बिल्डर की ज़मीन है उसके नाम पर आएगा, पर कस्टमर को पता ही नहीं होता है जो चीज़ हम खरीद रहे हैं ये एक्वायर होने वाली है। अब गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेगी, वो अपना प्लॉट ढूंढता रहेगा कि मैंने यहाँ पे टप्पल में प्लॉट खरीदा था, वो प्लॉट कहाँ गया। पर ये स्कैम इतना बड़ा चल रहा है कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी की इतनी अहम पूंजी जो कमा के रखी है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, वो बर्बाद कर दी लोगों ने। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा गवर्नमेंट इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। गवर्नमेंट कार्रवाई भी करती है, अगर कोई एक्शन में लेती है तो बुलडोजर वहाँ टप्पल में बुलडोजर चलता रहता है। किसी बिल्डर के ऊपर बुलडोजर चला वो क्या करेगा, कुछ दिनों बाद फिर उसे वहाँ पे गेट बना देगा, अपने मतलब साइट को डेवलप कर देगा, बेचने लगेगा। कि जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है इसको मैंने कन्वर्ट किया है रेजिडेंशियल, 143 अप्रूव करा के, ठीक है, 143 अप्रूव करा भी लिया होता है, पर मेन चीज़ यह है कि जो चीज़ नोटिफिकेशन में आ चुकी, नोटिफाइड हो चुकी है, उसको आप क्यों बेच रहे हो? बेच रहे हो तो सरकार उस पर बैन क्यों नहीं लगा रही है? अगर सरकार को सोचना चाहिए, उस पर बैन लगाना चाहिए कि ये अवैध, ये कॉलोनी यहाँ पर जो बिल्डर्स हैं वो कॉलोनी काट क्यों रहे हैं। कहीं आप निकल जाइए, यहाँ पे जेवर की तरफ निकलोगे, आप पर्चे बांटते हुए मिल जाएंगे। जब आप उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। आप एडा की साइड पे जाइए, गूगल करिए, वहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से नोटिफाइड एरिया हैं। पर फिर भी वहाँ पे भी कई कॉलोनियाँ अपने ऐड रन कर रही हैं, ऐड रन नहीं करती हैं, ये इंस्टा पे ऐड चला दें, क्योंकि खुल के प्रचार कर नहीं सकते, चुपके चुपके से बेचते हैं। पर क्या होता है उसमें जो कस्टमर है ना, जिन लोगों को पता नहीं है, दिल्ली का है आपका, गुड़गांव का है, फरीदाबाद का, गाजियाबाद का, ये लोग झांसे में आ जाते हैं। झांसे में आके क्या करता है? खुद का पैसा बर्बाद कर लेता है। तो मेन बात यह है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, ये लोग जेवर एयरपोर्ट का नाम बताकर आपका पैसा बर्बाद करवा देंगे। जो जो ज़मीन यूपी के अंदर आ रही है जेवर एयरपोर्ट के पास में, इधर भूलकर भी इन्वेस्ट मत करना, बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। 5 टाइप की लैंड होगी। सबसे पहले आती है आपकी रेजिडेंशियल, फिर आपकी आती है कमर्शियल। रेजिडेंशियल कौन सी होगी? जिसमें हम लोग रहते हैं। कमर्शियल जिसमें हम मतलब बिजनेस पर्पस काम करते हैं, जैसे कि ऑफिस वर्क हो गया, ऑफिस में हो गया, जितना बिल्डिंग हो गई, ये आपका कमर्शियल में आता है। फिर आपका हो गया इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मतलब जितने आपके कारखाने लगे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या होता है, किसान जो अपने खेती करते हैं वो एग्रीकल्चर में आता है। फिर आपका हो गया इंस्टीट्यूशनल, फिर क्या आ गया इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल वो ज़मीन आती है जिसपे कि आपके कॉलेज बने होते हैं या फिर पढ़ाई से रिलेटेड हॉस्पिटल आ गया, ये सब आपका इंस्टीट्यूशनल उसमें आ जाते हैं।